डिप्रेशन में कोई भी जा सकता है, चाहे वो आम इंसान हो या कोई फेमस सेलिब्रिटी। क्या आप जानते हैं दिलीप कुमार साहब भी डिप्रेशन के शिकार हुए थे? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप जानते हैं, शो में आज बात करेंगे दिलीप कुमार साहब के डिप्रेशन के बारे में। दिलीप कुमार साहब को फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अपने ट्रेजेडी रोल खूबसूरती से निभाते हैं। वह पूरी तरह से अपने रोल में खो जाते हैं। यही वजह है उनकी फिल्में जैसे अंदाज, दीदार, जोगन, दाग बहुत प्रचलित हुई और दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक तरफ इन फिल्मों की कामयाबी से दिलीप कुमार को वाहवाही मिल रही थी, वहीं दूसरी तरफ यह किरदार दिलीप कुमार के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ रहे थे। धीरे धीरे दिलीप कुमार डिप्रेशन के मरीज हुए जा रहे थे और यह बीमारी फिल्म देवदास करते समय हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। फिल्म देवदास में दिलीप कुमार ने एक बड़ा ही गमगीन किरदार निभाया था, जहां हीरो अपनी प्रेमिका के प्यार में बर्बाद हो जाता है, जो शराब के नशे में खोकर अपनी जिंदगी भी खराब कर देता है। इस ट्रेजेडी रोल को दिलीप कुमार ने इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शक भी सिनेमा हॉल में रो पड़े। दिलीप कुमार को इस रोल के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन इस रोल ने दिलीप कुमार के दिमागी संतुलन को ज़्यादा खराब कर दिया और उन्हें साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी। मुंबई में कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद जब उनको आराम नहीं मिला तो वो लंदन गए। वहाँ उन्हें लंदन के मशहूर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर डब्ल्यू डिकॉन से मिले, जिन्होंने हॉलीवुड के कई नामचीन एक्टर्स को डिप्रेशन की बीमारी से मुक्ति दी थी। डॉक्टर निकॉन्स ने दिलीप कुमार का बारीकी से इलाज किया और 6 महीने तक उनका इलाज चला, लेकिन डॉक्टर निकॉन्स ने दिलीप कुमार को स्ट्रिक्टली कहा कि कुछ सालों तक वह ट्रेजेडी रोल ना करें और कॉमेडी रोल्स ट्राई करें। दिलीप कुमार ने डॉक्टर निकॉन्स की बात सीरियसली ली और उन्होंने कुछ कॉमेडी फिल्म्स जैसे आज़ाद, कोहिनूर और राम और श्याम, और इस तरह दिलीप कुमार को अपने डिप्रेशन की बीमारी से आज़ादी मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।